संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। इतने दर्द इकट्ठे करना आसान काम है नहीं। तो बहुत दर्दड़ा खुद के घर में रह तो सट्टा का यो हाल हो रहा है। अपन जो काम अपना नहीं है आप उसके पास पड़ रहे हैं। अगर कल आना कल मिलवी साहब का तो पावर देने वाला लोग नहीं लग रहा। जितने भी लोग आए हैं यहाँ सबका स्वागत है। जितने भी जिन लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कितनी मेहनत करी है, लोग इतनी दूर दूर तक आए हैं, बहुत मेहनत लगा है, तो इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जाट इकट्ठे करे एक जगह, इतने जाट इकट्ठे करना आसान काम है नहीं। तो बहुत आर्थिक हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर कुछ एक चीज़ ऐसी हुआ है अगर बुहारी इकट्ठी हुआ है ना, क्या अगर सारा सब दिन साफ कर दिया करे, अब देखो देखी तो फिर वह खुद है क्या डंगा बन गया अपना। मैं कहावत है जटना खुद भी खड़ में रह गए, तो उस चीज की धारणा भी अलग करनी है। अभी आरक्षण की बात चली, सारे कह रहे आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है और हम उसके पक्ष में है, लेकिन अपने बच्चों को भी इस चीज का कि आरक्षण मिल जाएगा तो बाद में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब एक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक चुटकुला सुनाऊंगा चला जाऊंगा। एक जाटनी चली गई किसी का घर, अरनो को लेके बाढ़ केक रहे बया छोरी तो MBBS की तैयारी कर रहे, अरे छोरा IPS की तैयारी कर रहे, फिर वाहनी तो बोली तेरा ही की है। बोले छोरी तो सोमवार का व्रत करिए मंदिर में जा रही है, अब छोरा कार्ड लेने जा रहा है। तो जाटा का यो हाल हो रहा है, अपन जो काम अपना नहीं है आप उसके पास पड़ रहे हैं। अगर कल आना कल मिली साहब तो कार्ड लेने वाला लोग नहीं लग रहा। तो ठीक है, कर्म है, अच्छी बात है, हमने बचपन से ये चीज पढ़ी है, करना चाहिए जो जायज हुआ है। पर जाट जमींदार का काम यू नहीं है कि आप धर्म के पास इतने पागल हो जाएगा हम जो चीज का भूल रहे हैं, लड़ता हम उठे हैं, लड़ता है ये इन बुजुर्गा का ने लिखा है, देखो इनकी मेहनत है जो आज हम यहाँ रहा सारे इकट्ठे हैं, आज हम बात कर सकते हैं। तो सबका बस ये उम्मीद है कि अब शिक्षा ऐसी चीज जो है जो किसी आदमी ने बिठा देगी, किसी समाज ने गिरा देगी। तो ये जो आरक्षण के फंडे चले थे इसीलिए चले थे कि बच्चे शिक्षा ले हुए और आगे बढ़े। बस अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो जो देश हित में हो, अपने समाज हित में हो। जय हिंद।